जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, दूसरे फोल्डर में रखा हुआ एक्सेल फाइल यहां पर आ करके अलग अलग शीट में इंसर्ट हो जाएगा और सारे डेटा एक जगह हो जाएगा। तो ये चलिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक किया, ये देखिए अभी हैंग नहीं हो रहा है, वो सारे एक्सेल शीट को लेके यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक शीट था यहाँ पर, यहाँ पर आकर के सभी ऐड हो गया, ये देख लीजिए सिर्फ एक क्लिक। अगर आप भी यहाँ दूसरे मल्टीपल लोगों से सेल परचेज का काम करते हैं और सभी लोग आपको मेल किया है, तो वो फाइल को एक फोल्डर में रख लीजिए, एक क्लिक करेंगे तो सारे एक ही शीट में आ जाएगा। आप वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके मेंटेन कर सकते हैं डेटा को। तो चलिए इसको बनाया कैसा हूँ अब बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इस एक्सेल फाइल को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मास्टर शीट रखा हुआ है, ये देखिए ये खोल लिया हूँ। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ये हमारा मेन मास्टर शीट हो गया, तो इसमें लाना है डाटा को, किसमें से, मास्टर डाटा। अब मास्टर शीट में यहाँ पर रखा हुआ है 1 2 3 4 ABC कंप्यूटर, रामा लैपटॉप, शिव शक्ति पेन ड्राइव और XYZ मोबाइल, ये चार एक्सेल सीट है। ये चारों को लेकर हम लोग को मास्टर सीट में यहाँ पर सीट सीट करके इंसर्ट करना है। अगर ये नहीं करते, अगर ये हम एक क्लिक से नहीं करते तो क्या करते हैं आप, सिंपल इसमें जाते हैं, इसको ओपन करते हैं, इससे कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पर ला करके ऐड करते हैं, तो उससे क्या है बहुत समय लगता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे अलग अलग डेटा है, ये सारे का डेटा एक ही जगह चले जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल एक छोटा सा कोड है, ये देखिए ये छोटा सा कोड आप लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट करके रख भी सकते हैं या यहाँ पर वीडियो को पास करके देख सकते हैं। तो इस एक्सेल इस कोड में कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना है और यहाँ पर अपने एक्सेल शीट में आना है और यहाँ राइट क्लिक करना है तो व्यू कोड आ जाएगा। ये देखिए व्यू कोड, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरफ से वाइट पेज खुल जाएगा। अगर आपके में नहीं खुल रहा है तो आप यहाँ इंसर्ट में जाकर मॉड्यूल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ पर आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है तो ये हमारे पास वो डेटा आ गया। अब दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ पर क्या करना है, पाथ देना है आपको, जो फोल्डर का लोकेशन है उसको यहाँ पर बस डालना है, किस फोल्डर से आपको वो सारे एक्सेल शीट को लेके आएगा। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं, सिंपल ये है हमारा फोल्डर, इसमें यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये उसका लोकेशन हो गया। कोई भी फोल्डर जैसे आप खोलेंगे, जैसे मैं इसके कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पर चले जाता हूँ, ये फोल्डर में रखा हुआ इसको ओपन करूंगा और यहाँ पर आके क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इस टाइप से इसका लिंक आ गया। इस लिंक को कंट्रोल सी से कॉपी कर देना है और उसी में जा करके आपको यहाँ पर ये डबल कोट के अंदर में कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आ गया, ये देख सकते हैं यहाँ पर इतना। और इसके लास्ट में यहाँ पर आपको इंटर के ऊपर वाले बटन या मतलब इस वाले सिम्बॉल को दबा देना है तो उसके बाद इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारा कोड आ गया, अब उस कोड को हम यहाँ एक इंसर्ट कर देंगे इस तरह से सेव। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ले लिया, इसको राइट क्लिक कर दिया, यहाँ से अच्छा सा उसको ये दे दिया और यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट कर दिए। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से अपने हिसाब से और यहाँ पर आकर के जो हमने वो कोड कॉपी किया उसको यहाँ पर माउस से राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलेगा और यहाँ असाइन मैक्रो होगा। उस मैक्रो का यहाँ पर साहू ट्यूबर नेम है, यहाँ पर ओके करके ओके कर देंगे। अब देखिए जस्ट इस ये फोल्डर में है, इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पर। अब मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा, यहाँ सिर्फ एक सीट दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए सभी सीट एक्सेल सीट यहाँ पर आना चालू हो गया। ये बहुत टाइम बचाता है दोस्तों, अगर आप बार बार कॉपी पेस्ट करते रहेंगे और अगर आपके पास 1000 डाटा से भी ऊपर है तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, तो ये एक ही क्लिक में यहाँ पर आ जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जैसे ये अलग अलग सीट है, ये अलग अलग सीट का डेटा, जैसे यहाँ पर डेटा आ गया इसका, इसका ये वाला डेटा इसके नीचे में आके सेव होते जाएगा, जितना भी सीट रहेगा उसके नीचे में आकर के सेव होते जाएगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।